गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू वर्कशीट नंबर 4 चैप्टर 3। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम इन टू डिफरेंट वेज। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस टू डिजिट इन टू डिफरेंट वेज। तो व्हाट कैन बी दो टू डिफरेंट वेज। फर्स्ट वे तो हम ये कर सकते हैं -32 + 50। फर्स्ट Now you can see beta, here both integer are of opposite sign. When the integer are of opposite sign, they are always be subtracted. वो क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और देखो 50 में से 32 माइनस कर लीजिए आप 18। और जो आंसर है बेटा उसमें जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन डिसाइड होता है वो यहां से होता है। वो बड़ी टर्म नाम होती है उसके साथ जो साइन होगा वही आंसर में जाएंगे। यहाँ पर बिगर टर्म कौन सी है 50 के साथ कौन सा साइन है प्लस, तो आंसर में भी प्लस आए। अब देखो सेकंड वे क्या, हम 50 को पहले लिख लेते हैं 50 + -32। दिस इज अनदर वे, अगेन फिर बेटा वही 50 पॉजिटिव और 32 नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा फिर से 18 आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऑपोजिट साइन और बड़ी टर्म के साथ का साइन। तो इस तरीके से आपने बाकी बचे पार्ट्स भी करने हैं, बस आपने ऑर्डर चेंज कर देना। जैसे -32 और 50 है, पहले -32 लिख दिया बाद में 50, फिर सेकंड टाइम में 50 पहले लिख दिया 32 -32 बाद में लिख दिया। तो इस तरीके से आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। बेटा एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर 31 है इसका इनवर्स का मतलब उसका बिल्कुल साइन चेंज करो, अगर प्लस है तो नेगेटिव, ये इसका एडिटिव इनवर्स है, -7 है तो 7, 21 है तो -21, बस साइन चेंज कर देना। -501 का 501, 0 का तो 0 ही रहता है, -34 का 34। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जिसको उसमें ऐड करने पे वो 0 आ जाएगा। अगर मैं 31 में -31 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 0, तो वो होता है एडिटिव इनवर्स। वो नंबर जिसको गिवन नंबर में ऐड करने से आंसर क्या आ जाए 0, दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। -7 -7 ऐड करूंगा तो 0, बस आपने साइन चेंज कर देना। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, न्यूमेरिकल वैल्यू ही रखनी है। 21 का -20, 500 -501 का 500, इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। इस तरीके से आपने एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट किया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फाइंड द सम यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इनको हमने ऐड करना, तो बेटा इनका ऐड करने का तरीका क्या है, पहले हमने वो टर्म आइडेंटिफाई कर लेंगे जिनका साइन सेम है। तो 105 का साइन क्या है माइनस, 36 का साइन क्या है माइनस, तो इनको पहले आपने सॉल्व कर जिनका सेम साइन 200 + 105, जिनका सेम साइन होता है वो ऐड हो जाती है 105 में 36 ऐड 140, और दोनों का माइनस साइन है तो इनके आंसर में भी माइनस ही रहेगा। जब दोनों टर्म का साइन सेम हो तो वो ऐड हो जाती हैं और वही साइन उनके साथ रहता है जो ऑलरेडी होता है, तो दोनों का माइनस साइन तो था तो आंसर में भी क्या रहेगा माइनस। तो इन दोनों को सॉल्व करके आ गया हमारे पास -141। अब यहां पर देखो 200 का क्या साइन है पॉजिटिव, 141 का क्या साइन है नेगेटिव। जब ऑपोजिट साइन हो तो वो नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 200 के साथ कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन का मतलब होता है कोई भी साइन नहीं है तो मतलब उसके साथ पॉजिटिव साइन है, और 141 के साथ माइनस है तो एक के साथ माइनस है एक के साथ पॉजिटिव है, प्लस है तो वो क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। तो 200 में से 141 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऑपोजिट साइन है तो बेटे नंबर्स क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। 200 में से 141 को हम माइनस कर देंगे, 10 - 1 = 9, 9 - 4 = 5, ओके तो 50 रहेगा। तो ये हमारा, अब हमें डिसाइड करना है कि 59 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो डिपेंड करता है इन दोनों नंबर में आपने चूज करना कौन सा नंबर बड़ा है, 200 बड़ा है उसके साथ क्या साइन है पॉजिटिव, तो आंसर में भी
पॉजिटिव साइन रहेगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज -215 -215 +860 -215 -215 +1। इसमें भी बेटा हम पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे कि नेगेटिव वाली टर्म्स को अलग चूज कर लेंगे, पॉजिटिव वाली टर्म को अलग। तो देखो नेगेटिव वाली कौन कौन सी है, एक ही होगी, एक ही होगी, एक ही होगी, ठीक है। तो -215 फोर टाइम्स ऐड करना, 215 इसको इसको और इसको, ये हमने चार टर्म लगाया। तो जब आप इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 26 कितना आ जाएगा बेटा, 86। क्लियर। और अगर बेटा ज्यादा लंबा हो रहा है शॉर्ट ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, 215 फोर टाइम ऐड हो रहा ना, उसके बजाय क्या करो, 215 को फोर से मल्टीप्लाई कर लो, तब दूसरा ही आएगा 860। तो ये 860 ये हमारे सारे क्या है, नेगेटिव, सारे क्या है बेटा, ये नेगेटिव है, सारे नेगेटिव है। तो जब सेम टर्म, जब साइन सेम हो तो वो टर्म सारी ऐड हो जाती है और साइन वही बना रहता है माइनस, सेम साइन हो तो ऐड हो जाती है और साइन वही रहता है जो सारे टर्म के साथ है। तो 1 2 3 चारों को ऐड करके कितना आ गया बेटा, -860। अब पॉजिटिव वाली टर्म कौन सी, एक 860 है और एक 860 और एक 1। 860 ये भी पॉजिटिव और 1, ये दोनों भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो प्लस के कितना हमारे पास बेटा, 861 ये हमारा पॉजिटिव। अब यहां पर 861 तो है पॉजिटिव और 860 है नेगेटिव, ऑपोजिट साइन हो तो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 861 में से हम 860 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा, 1। और आंसर में कौन सा साइन आएगा, जो बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म कौन सी, 861। 861 के साथ क्या साइन है, प्लस, इसके साथ भी क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। क्लियर। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट H। इसमें भी हम क्या करें बेटे, माइनस वाले अलग कर लेते हैं, तो ये है माइनस वाले, एक ये है और ये इन दोनों का सेम साइन है, ये ऐड हो जाएंगे 99 और 101, ये कितना आ गया 200 और साइन दोनों का वही रहेगा माइनस। जब सेम साइन है तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, ऐड और साइन वही रहेगा, तो इन दोनों को ऐड करके आ गया हमारे पास -200 प्लस, और जो 7 पॉजिटिव है 93 पॉजिटिव है, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे 93 प्लस 7 100, ये पॉजिटिव है तो प्लस 100। अब एक टर्म नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ऑपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। 200 में 100 गया, कितना बच गया, 100। 200 में 100 क्या कर देंगे, माइनस। अब हम बात करेंगे साइन की, कि 100 के साथ क्या साइन आना चाहिए। अब हम देखेंगे इन दोनों में बिगर टर्म कौन सी है, 200 200 के साथ क्या क्या है, नेगेटिव, आंसर में भी क्या आएगा, नेगेटिव। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हम क्या करेंगे बेटा, ये दोनों नेगेटिव के हैं तो इनको अलग ऐड कर देंगे, 900 प्लस 237, दोनों में माइनस है तो ऐड हो जाएंगे 7 3 9 11 -1137, इन दोनों को ऐड करके, और इन दोनों को ऐड करके देखो कितना आ जाता है, ये दोनों प्लस के हैं तो ये अलग ऐड हो जाएंगे 637 + 350 7 5 3 8 9 987, दोनों प्लस करके 987 प्लस माइनस के दोनों को ऐड करके कितना आ गया हमारा -1137। अब और देखो 1137 के साथ माइनस साइन है, 987 के साथ प्लस, ऑपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1137 -987, 7 - 7 0, 13 - 8 5 10 - 9 1 150। अब हमें डिसाइड करना है इसके साथ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में बिगर टर्म देख लो कौन सी, माइनस इसका बिगर टर्म इसके साथ है, बिगर टर्म के साथ क्या माइनस है, तो यहां भी क्या आएगा, माइनस।
तो इस तरीके से बेटा ये सम था आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी बच्चे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, थैंक यू।